अब अपनी एक्सरसाइज है 13.2। 13.1 अपन ने कंप्लीट कर ली, और नहीं की है तो आई बटन पे क्लिक करके कंप्लीट करें। तो 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फिगर, यानी इस फिगर के अनुसार अपन को इनके आंसर देने हैं। एंगल बी ए क्यू इज अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्किल, यानी इसके अलावा बी ए क्यू इसके अलावा एकांतर वृत्तखंड कौन सा है, तो इसके अंदर कौन सा है एंगल बोल सकते हैं जिसको बी ए डी, कौन सा बी ए डी, ये इस साइड का हो गया तो इस साइड का ये। इसी तरीके से डी ए पी, जो डी ए पी है इसके दूसरी साइड में कौन है, इसके दूसरी साइड में आ गया अपना डी ए सी बी, क्योंकि चारों पॉइंट इससे इस साइड में आ गए तो ये चारों हो गए डी ए सी बी। थर्ड है इफ बी ज्वाइंट विद सी, अगर बी को सी से मिला दें तो एंगल ए सी बी ये एंगल किसके बराबर होगा, तो ए एंगल बराबर होगा इसके, क्योंकि ये दोनों लाइन्स क्या है पैरेलल है और ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो एंगल किसके बराबर होगा डी ए पी के या पी ए डी के। इसी तरीके से इफ एंगल ए बी डी एंड ए डी बी, ए बी डी ए बी डी ये एंगल एंड ए डी बी ये एंगल बराबर है तो कौन से दो एंगल बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे दो तो ये ही हो जाएंगे दो बराबर, तो लिख देंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए पी, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी अपन को समझना था कि कौन किसके बराबर हो रहा है इसमें। अब अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू फिगर पी क्यू एंड एक्स वाई आर पैरेलल, यानी पी क्यू एंड एक्स वाई क्या है पैरेलल है एंड टेंजेंट है। इफ पी क्यू आर टी, यानी क्यू आर टी 30 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एस वाई, टी एस वाई इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। सबसे पहले तो अपन इसको मैच करवा देते हैं। गिवन क्या है अपन को, गिवन है पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के और एंगल क्यू आर टी है वो 30 डिग्री, ये अपन को गिवन है। नाउ नेट पॉइंट आर टू एस, आर से एस को मैच करवा दिया अपन। अब जानते हैं क्या जानते हैं, जो ये एंगल है ये कितने का है 90 डिग्री का, क्योंकि किसके सामने है डायमीटर के सामने है। या कॉर्ड के सामने भी 90 होता है, तो एंगल आर टी एस इक्व टू 90 डिग्री लिख देंगे। कारण कॉर्ड फ्रंट एंगल ऑन सर्कमफेरेंस, ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, जो ये है टोटल ये क्या परपेंडिकुलर है इसमें, तो ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर ओ
इक्वल टू 90 डिग्री, कारण है परपेंडिकुलर, या डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि आर ओ परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर ओ किस किस के बराबर है, एंगल क्यू आर टी के प्लस एंगल टी आर ओ के, यानी ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 बनाते हैं, जबकि अपन को किसकी वैल्यू दे रखी है, क्यू आर टी की वैल्यू दे रखी है, और ये अपन को पता है 90, तो 90 इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल टी आर ओ। तो यहां से एंगल टी आर ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब अपन को पता चल गया ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, तो थर्ड एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। तो इंट एंगल आर एस टी तीनों का नाम लिख देते हैं, एंगल टी आर ओ प्लस ओ आर टी एस एंगल आर टी एस प्लस एंगल ओ एस टी, और तीनों का सम कितना होता है 180, और दो की वैल्यू अपन को पता है, इसकी कितनी है टी आर ओ की 60 और इसकी 90, और इसकी अपन को पता करनी है ओ एस टी इक्वल टू 180। तो एंगल ओ एस टी कितना आ गया यहाँ से 180 माइनस 150 प्लस टू 30 डिग्री। अब ये एंगल अपने पास आ गया 30 और ये कितना है 90। एंगल वाई एस ओ या एस ओ वाई वाई प्लस टू 90, और एस ओ वाई के टू पार्ट कौन कौन से हैं, एंगल ओ एस टी प्लस एंगल टी एस वाई इक्व टू 90। अब इनमें से ओ एस टी की वैल्यू अपन को पता है 30, तो 30 प्लस एंगल टी एस वाई इक्व टू 90, तो एंगल टी एस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस 30 इक्व टू 60 डिग्री। ये तो अपन को पूछी थी एंगल टी एस वाई की वैल्यू, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, इसमें ए सी जो एंगल है, ये जो ए सी है साइड, उसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में कट करती है, एंड पी क्यू ए टेंजेंट विच पासेस थ्रू पॉइंट ए बी सी डी। तो अपन को प्रूव क्या करना है कि ये ए बी जो पी क्यू है वो डी बी के पैरेलल है। तो गिवन क्या है अपन को, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और कुछ नहीं दे रखा है अपन को, एक दे रखा है कि पी क्यू इज एट टेंजेंट एंड जो ओ ए है सी, ए सी है ए सी बाइसेक्ट द एंगल सी, ये दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं, एंगल्स की नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो टोटल 8 एंगल बन गए और 2 बार भी बन गए ये वाले 9 एंड 10। तो फर्स्ट गिव द नंबरिंग ऑल एंगल्स, सब एंगल्स को क्या दिए, नंबरिंग दे दी।
अब अपन देखते हैं कि जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, साइक्लिक ये प्रॉपर्टी होती है इनके लिए कि तो एकांतर में इनके कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरीके से एंगल 3 हो गया इक्वल एंगल 6 के, एंगल 2 आ गया 3 आ गया, 4 इक्वल हो गया एंगल 7 के, और 5 एंगल इक्वल हो गया एंगल 8 के। 5 एंगल 1 के होगा क्योंकि इस साइड का एंगल इसके, और 4 होगा 8 के। ये एंगल इक्वल टू, ये एंगल अपोजिट, और 6 आ गया 3 के, 6 में भी अपन ने मिस्टेक कर दी क्या, तो 3 होगा 7 के, और 1 अब 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल्स अपन ने देख लिए। अब यहां से अपन गौर से देखें तो जो एंगल 5 है तो एंगल 9 भी इक्वल है, क्योंकि ये लाइन्स क्या है, पैरेलल, पैरेलल है नहीं, अपन को प्रूव करनी है पैरेलल। तो ये एंगल्स अपन देख रहे हैं तो ये क्या है, बाय दिस वी से दैट एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 9 अपोजिट एंगल। भाई किसका अपोजिट, 1 का, ऐसे ही 1 का कौन हो गया, 10 हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 10 अपोजिट एंगल। अगर इनकी ये एंगल्स बराबर है तो ये साइड्स क्या है, पैरेलल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। दस वी से दैट क्या कह सकते हैं कि जो बीडी है वो पैरेलल है पीक्यू के, बीडी पैरेलल टू पीक्यू, हेंस प्रूव। ये अपन ने प्रूव कर दिया, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 13 भी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।